बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, स्टूडेंट नंबर नेक्स्ट क्लास इज उर्दू। टेक आउट योर मोतिया एंड ओपन द पेज नंबर इज 95। जी कल जो है हमने शेर आया की रीडिंग की थी, फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पेज की, सॉरी, तो मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या रीडिंग की थी। कि एक गाँव में जो होता है ना, वो एक लड़का रहता है। वो एक दिन अपनी भेड़ों को लेके जो है वो घास चराने निकलता है। तो वो एक दिन सोचता है कि मैं ना लोगों को क्यों ना बेवकूफ़ बनाऊँ। तो वो पहाड़ पर चढ़कर ना चीखता है कि शेर आया मुझे बचाओ। तो लोग, गाँव के लोग जो सब भाग कर आते हैं उसके उसको बचाने के लिए। लेकिन लड़का जो होता है वो हंसता है, वो कहता है मैंने तो आपको बेवकूफ़ बनाया है। तो गाँव के लोग जो होते हैं वो सब नाराज़ होकर चले जाते हैं, ठीक है। तो आज हम आगे रीडिंग करते हैं पेज नंबर 96 की। दूसरे दिन उसने सोचा सबको फिर बेवकूफ़ बनाता हूँ। वो फिर पहाड़ पर चढ़ा और चीखा, शेर आया मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गांव के लोग फिर भाग कर आए और पूछा कहाँ है शेर। लड़के ने फिर हंस कर कहा आहा हा, बेवकूफ़ बना दिया। लोग फिर नाराज़ होकर चले गए। इट मीन्स उसने सेकंड टाइम भी झूठ बोला, ठीक है, और लोगों का टाइम ज़ाया किया, इसलिए लोग नाराज़ होकर चले गए। तीसरे दिन सचमुच शेर आ गया। ओ माय गॉड, सचमुच शेर आ गया, लुक एट हियर, ये देखिए। लड़का चीखा, शेर आया, अब तो सच में वो देखे ना कितना शोर मचाया उसने, शेर आया मुझे बचाओ। इस बार कोई भी उसके पास नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि लोग समझ रहे थे कि उसने इस दफ़ा फिर झूठ बोला है, वो हमारा हमें भी बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस दफ़ा फिर कोई नहीं आया और शेर उसकी कुछ भेड़ों को खा गया। तो क्या हुआ? शेर उसकी कुछ भेड़ों को खा गया, लेकिन वो तो भाग गया, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई भी ना आया। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सच बोलना चाहिए और ना ही दूसरों को तंग करना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर की आपने रीडिंग करनी है जी। इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं जी। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा भरें, ठीक है, किसी भी रंग से भर देना आपने, ठीक है, या पेंसिल से कर दें। गाँव में कौन रहता था जी? नंबर वन है ऑप्शन शेर, लड़का या पहाड़। लड़का रहता था, ठीक है, इसको इस तरह से फिल कर देना आपने, ठीक है। गांव के पास क्या था? दरिया था, पहाड़ था या घर था? पहाड़ था, ठीक है जी। नंबर थ्री क्या है? लड़के ने क्या बनाने का सोचा था लोगों को? बेवकूफ़, बादशाह या शेर? जी बेवकूफ़ बनाने का सोचा उसने, कहा मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ सबको। शेर किस दिन आया? पहले दिन आया था? नहीं, तीसरे दिन आया था जी। दूसरे दिन भी नहीं आया था शेर, कब आया था? तीसरे दिन आया था। इसको फिल कर दें इस तरह से, ठीक है। कहानी से हमने क्या सीखा है? सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज फिल कर ली हमने। इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है, ये सिर्फ आपने अपनी नोटबुक पर करने, क्योंकि इस 5 सिलेबस है ना आपका, इसलिए सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चन करने हैं। और सबसे पहले इमला करनी है और उसके बाद ये 2 क्वेश्चंस करने हैं आपने अपनी नोटबुक पे, ठीक है। तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, इमला के वर्ड्स भी और ये दोनों क्वेश्चंस आंसर भी, ठीक है। ये आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं और मार्जिन लाइन लगाना नहीं भूलनी और ऊपर चैप्टर का नाम लिखना नहीं भूलना, ठीक है। थैंक यू।